को मैंने करीब 25 दिन पहले गोटी बांधी थी, और यहाँ से देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। ये कट करने के बाद यहाँ देखिए मैं रख रहा हूँ, ये पीछे से कट करना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, बिल्कुल रियलिटी के साथ दिखाता हूँ, ये पास से दिखाइए जरा। ये देखिए कटिंग आपके सामने, सहतूत की कटिंग, ये देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको धुल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। दोस्तों आज से कुछ समय पहले मैंने फलदार पौधों की कुछ कटिंग यहाँ पर देखिए लगाई हुई थी, और उसकी अपडेट भी देने वाला हूँ, और उसके बाद कैसे पौधों को लगाना है ग्रो बैग में वो भी बताऊँगा। ये देखिए आपके सामने बहुत सारे पौधे की जो कटिंग है सक्सेस हो गई है, और कितनी सक्सेस हुई वो भी दिखाऊंगा। और साथ में मैंने ये नींबू के पौधे पर, जरा दिखाइए जरा पास से, ये गूटी, यहाँ देखिए गूटी बंधी हुई है, एयर लेयरिंग जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर देखिए एक ये गूटी बंधी हुई है, और ये तैयार हो चुका है। इसको कट करेंगे और आगे का प्रोसेस जानेंगे कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपने भी गूटी से पौधे तैयार किए होंगे। उसके बाद अक्सर लोगों के पौधे फेल हो जाते हैं, क्योंकि गलत तरीके से जो है ग्रो बैग में लगाते हैं। जैसे कि ये सब पौधे तैयार हो चुके हैं, इसमें से कुछ पौधे मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, और कितनी जड़ डेवलप हुई है वो भी दिखाऊंगा, और किस तरह के ग्रो बैग में मिट्टी कैसे बनानी चाहिए वो भी बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप फलदार पौधे फ्री में तैयार करना चाहते हैं कटिंग से। मैं हूं जयप्रकाश, और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में कटिंग से फलदार पौधे कैसे तैयार करें वो भी फ्री में, मिट्टी कैसे बनाएं, गूटी कलम से पौधे कैसे तैयार करें, तैयार होने के बाद का प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी में जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से मिल सके। तो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि आज से कुछ समय पहले मैंने फलदार पौधों की बहुत सारी कटिंग और कुछ फूल वाले पौधों की कटिंग ये देखिए लगा के दिखाया था, और वो वीडियो काफी चली हुई थी, आप लोगों ने काफी प्यार और दिया था उस वीडियो को। यहाँ देखिए प्लांट का समय आ गया है अपडेट देने का, ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारे प्लांट हैं, मैं एक एक करके कुछ प्लांट इसमें से निकालूंगा और वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मैंने गूटी कलम यहाँ बांधा था उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए, यहाँ पर इसको मैंने करीब 25 दिन पहले गूटी बांधी थी, और यहाँ से देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। ये कट करने के बाद यहाँ देखिए मैं रख रहा हूँ ये, और एक गूटी ये है, और आपको अभी पीछे से कट करना है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, तो ये दो पौधे हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे, इसमें जड़ जो है आ चुकी है वो भी हम आपको खोल के दिखाएंगे, और इसे कैसे लगाना है वो भी दिखाएंगे। देख लीजिए दो मेरे लेमन के प्लांट हैं, कागजी बारहमासी नींबू के, बहुत ही आसानी से फ्री में तैयार हो जाते हैं। इनको फिलहाल हम यहाँ रख देते हैं, और अभी आपको कुछ अपडेट मैं देने वाला हूँ मिट्टी की। मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ अपने जो मैंने कटिंग लगाई थी, इसमें बहुत सारे फलदार पौधे हैं, फ्लावर प्लांट हैं, और यहाँ पर देखिए जैसा कि देख सकते हैं अंगूर का प्लांट है, ये सब ग्रो हो चुके हैं, अब कितनी जल्द डेवलप हुई है वो भी दिखाएंगे। क्योंकि ये जो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिल्कुल रियल है, फेक वीडियो आपने यूट्यूब में बहुत देखा होगा, जड़ चिपका चिपका के दिखाते हैं, यहाँ पर हर एक चीज रियल आपको देखने को मिलेगी, जमीनी स्तर पर हर चीज आपको मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने गूटी बांधी थी, दो पौधे ये तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए इसमें अनार के पौधे जो कि मैंने कटिंग से तैयार किए हैं आपके सामने, ये देखिए साक्षात है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझिएगा, जो मैंने कटिंग का वीडियो बनाया था उसे पूरा देखिएगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि कटिंग मैंने कैसे तैयार की थी। क्योंकि इस वीडियो में मैं कटिंग कैसे तैयार करें वो समझाने वाला नहीं हूं, और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो मेरा कटिंग का वीडियो था जो कि मैंने इसमें लगा के दिखाया था कौन कौन सी कटिंग ली थी, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। भाइयों उस वीडियो को जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखिएगा कि मैंने ये कटिंग से पौधे कैसे तैयार किए। चलिए जो पौधे तैयार हो चुके हैं अब आगे का प्रोसेस जानते हैं। यहां पर देखिए इन पौधों को ट्रांसफर करने के लिए ये ब्लैक वाले ग्रो बैग, नर्सरी ग्रो बैग इसे बोलते हैं, ये देख सकते हैं करीब 1 से 1.5 किलो मिट्टी इसमें आ जाती है, साइज देख लीजिए।
ये भी आसानी से एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाता है, ये देख लीजिए। और यहां दिखाइए मिट्टी, ये जो मिट्टी मैंने ली है इसमें 50% नॉर्मल मिट्टी है और इसमें बालू मिट्टी का प्रयोग किया है 50%, यानी आधी बालू मिट्टी है और आधी है नॉर्मल फ्रेश गार्डन सॉइल, कोई भी गमले की निकाली हुई मिट्टी का मैं इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा भाइयों, गलतियां यहीं पर होती हैं और लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, बहुत सारा फर्टिलाइजर दे देते हैं और इसकी रूट बहुत सॉफ्ट होती है तो जिसके कारण पौधा खराब हो जाता है। तो सबसे पहले एक मैं ये देखिए आपके सामने ग्रो बैग में कुछ सॉइल भर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। यहां पर देखिए ये, और थोड़ा इसमें कम है तो यहां पर देखिए थोड़ा सा और डालेंगे। ये यहां देखिए इस तरह से हम दो ग्रो बैग तैयार करेंगे नींबू के लिए। ये नींबू के लिए मैं तैयार कर रहा हूं और इसमें कोई भी फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है, फर्टिलाइजर बाद में दिया जाएगा, अभी फिलहाल नहीं। फिलहाल देखिए मैं दो ग्रो बैग ये तैयार कर रहा हूं नींबू के लिए, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है इसमें, सिवाय इसमें मिट्टी रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगा। ये नींबू की कटिंग आहिस्ता से आपको खोलना है, ये देखिए जैसा कि मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, आसानी से आपको खोलना है क्योंकि अगर जड़ इसकी टूट गई तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आहिस्ता से इसकी पन्नी को हटाना है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए जब पास से दिखा दीजिए, ये देखिए जड़ इसकी निकल चुकी है। यहां पर देखिए हल्की हल्की जड़ दिखाई दे रही है, बहुत क्लियरिटी से मैं नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन इसमें देखिए ये जड़ आ चुकी है। तो देखिए थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा निकला हुआ है तो इसे हम यहां से कट करेंगे, ये देखिए, और इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि इसमें जड़ जो है बंधी हुई है, ध्यान समझिएगा इसमें जड़ बंधी हुई है। तो यहां देखिए पास से दिखाइए, ये देखिए ऐसे मैंने गड्ढा किया और ये टहनी जो है देखिए यहाँ एक्सेस निकली हुई, इसे काट देंगे। ये मैंने गड्ढा किया और ये देखिए बीचों बीच में सेंटर में रख के हम इसे लगा देंगे, थोड़ी सी हम मिट्टी और डालेंगे। भाइयों बहुत ही आसान है एयर लेयरिंग विधि से फलदार पौधे तैयार करना। ये देखिए ऐसे करके मैंने देखिए आपके सामने ये तैयार कर दिया। इसी तरीके से मेरा ये दूसरा प्लांट ये भी तैयार हो चुका है, जो मॉस ग्रास लगी हुई है उसको हटाना नहीं है ना उसको आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं उस मॉस ग्रास को ही हटा के देखते हैं कि जड़ कितनी निकली है। तो जड़ थोड़ी बहुत दिख गई, आपका काम हो गया। अभी जब ये मिट्टी में जाएगा तो बहुत तेजी से जड़ डेवलप होगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जड़ आ चुकी है, ये देखिए यहां देखिए ये जड़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जड़ें नहीं आई, हल्की हल्की आई हैं और ये मॉस ग्रास है, इसके अंदर जड़ भरपूर मात्रा में है। और 25 दिन इसको मैंने छोड़ दिया था, ये एक्सेस है, यहाँ से देखिए मैं कट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने ये नींबू का पौधा लगाया है ऐसे देखिए बीचों बीच में, पास दिखाइए, ये मैंने गड्ढा बना लिया और सेंटर में इसको रखना है और टाइट कर देना है, ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे, ये देखिए कोशिश करें कि प्लांट सीधा लगे। और जो मॉस ग्रास वाला पोर्शन था वहीं से बहुत तेजी से जड़ें निकलकर इस मिट्टी में आ जाएंगी, क्योंकि ये जो मिट्टी है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या गोबर की खाद भी कह सकते हैं वो भी नहीं मिला हुआ है। तो ये देखिए आपके सामने ये दो प्लांट मैंने लगा के दिखा दिया। अब इसमें देखिए वाटरिंग कर, जो है वाटरिंग कर देंगे, देखिए आपको मैं वाटरिंग करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसे करके वाटरिंग कर देनी है आपको,
तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने वाटर इसमें कर रहा हूँ। ये नर्सरी वाला जो ग्रो बैग होता है इसमें काफ़ी होल्स होते हैं साइड में, ये देखिए। तो ऐसे करके पानी दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नींबू के पौधे मैंने एयर लेयरिंग विधि से लगाए और ग्रो बैग में लगा के दिखा दिया, और इसे जो है छाया में रखा जाएगा 20 दिनों तक। उसके बाद इसे धूप में रखा जाएगा और 3 महीने के बाद ये गमले में या फिर ज़मीन में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि 3 महीने लगेंगे इसकी रूट को डेवलप होने में। आइए आपको और अपनी कटिंग दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो कटिंग निकाल के दिखाने वाला हूँ वो कटिंग है, ये देख सकते हैं आपके सामने लगी हुई है, और वो कटिंग मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ बहुत ही आसानी से। ये देख सकते हैं, ये है मीठा करौंदा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मीठा करौंदा। तो ये कटिंग देखिए, यहाँ देखिए, ये कटिंग मैं धुल के भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल रियलिटी के साथ दिखाता हूँ, ये पास से दिखाइए जरा। ये देखिए कटिंग आपके सामने, यहाँ रख दिया, और यहाँ देखिए, ये देखिए सब कुछ रियलिटी के साथ, ये देखिए सहतूत की कटिंग, ये देख सकते हैं बिल्कुल रियल, जड़ निकल चुकी है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट कटिंग आपको दिखाते हैं अंजीर की कटिंग। अंजीर की कटिंग यहां पर है, ये देखिए, ये देखिए। और आपको खींचना नहीं है, आपको एक स्टिक की मदद से इसको उठा लेना है, क्योंकि बालू में लगा हुआ है ना, तो बहुत आसानी से निकल आता है। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए, मैं यहां पर आपको धुल के दिखा रहा हूं, ये देखिए। कोई वीडियो में एडिटिंग नहीं है, ईमानदारी से आपको हर चीज दिखाई जा रही है। ये देखिए जो मैंने अंजीर की कटिंग लगाई थी, ये देख सकते हैं कितनी जड़ बाहर आ गई, ये देख सकते हैं, देख लीजिए बिल्कुल पास से दिखाइए, ये देखिए पत्ता आ चुका है। ये है पूना वैरायटी का अंजीर, और इसे आप इस टाइप के ग्रो बैग में बालू मिट्टी में लगा सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये नींबू का पौधा लगाया हुआ है, अब मैं आपको अंगूर का पौधा निकाल के दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं अंगूर का, और एक स्टिक की मदद से मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं। सब कुछ आपको वॉश करके दिखाऊंगा, ये देखिए जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ऐसे कोई नहीं दिखाता है, ये देखिए। ये एक डेमो है, और आप देख लीजिए कि अंगूर की कटिंग जो मैंने लगाई थी उसकी जड़ें देखिए, रूट्स देखिए, ये देखिए रूट्स कितनी आ गई हैं। यहाँ रख देते हैं, कुछ और कटिंग इसमें से निकाल के आपको दिखाते हैं। गुड़हल की कटिंग मैं निकाल के दिखाने वाला हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए रूट्स देखिए, इसको मैं वॉश कर रहा हूँ अच्छे से, ये देखिए, ये देखिए कितनी रूट्स आ गई, ये सब देखिए कितनी रूट्स आई हैं, ये देखिए दोस्तों। बहुत लोग एक एक प्लांट दिखाते हैं, वो भी नकली जड़ लगा के, यहाँ देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक। और इसमें से अब मैं जो प्लांट निकाल के दिखाने वाला हूँ वो है अनार का प्लांट, जो कि एक सबकी चाहत रहती है कि अनार का पौधा गमले में या ग्रो बैग में लगाया जाए। देखिए मैंने अनार कटिंग से लगाया है, ये देखिए, इसे भी वॉश करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए जड़ का गुच्छा देखिए आप, और एक नहीं जितने अनार कटिंग लगाई थी, ये देखिए सब आपके सामने है, ये देख लीजिए सब आपके सामने है। ये फेविक्विक से चिपकाया हुआ जड़ नहीं है जो कि धुल के गिर जाएगा, ये देखिए सब आपके सामने है, एक नहीं बहुत सारी कटिंग दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। वीडियो में बने रहे भाइयों, वीडियो को यहीं लाइक करके शेयर कर दीजिए। ये देखिए अनार की कटिंग, ये देखिए सुपर भगवा अनार की कटिंग है, ये इतनी मोटी स्टिक होनी चाहिए, ये देखिए देख लीजिए ये अनार की कटिंग। और कटिंग दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देख लीजिए जड़ निकल के आ चुकी बाहर। इसमें कम से कम मैंने 30-40 पौधे लगाए थे, सब सक्सेसफुली ग्रो हो चुके हैं। और यहां पर देखिए ये
इसमें है हालांकि जड़ अभी नहीं आई है, इसे दोबारा लगा देते हैं, अभी इसमें जड़ अभी नहीं आई, लेकिन पौधा हरा भरा है। और यहाँ देखिए ये सहतूत लॉन्ग मलबरी का प्लांट, मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूँ, लॉन्ग मलबरी ये देखिए, टोटल बालू है ये भाई, थोड़ा अंधेरा हो रहा है और इसलिए हो सकता है कि आपको क्लियरिटी ना दिखे। ये देखिए लॉन्ग मलबरी सहतूत, ये देख सकते हैं कितनी जड़ें बाहर हो गई, ये देखिए ये देखिए, ये सारे पौधे आसानी से। और यहाँ देख लीजिए जितने पौधे मैंने लगाए थे 90% पौधे मेरे ग्रो हो चुके हैं, नींबू का पौधा भी आपके सामने है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो गूटी बांधी थी उसका प्लांटेशन करके आप लोगों को दिखाया, साथ में जो मैंने कटिंग ग्रो की थी वो भी अच्छी तरीके से ग्रो हो चुकी हैं, और इसे मैं अब इस तरह के ग्रो बैग में और इस सॉयल में लगाने वाला हूँ, और बहुत सारे फलदार पौधे तैयार करूँगा, अपने आसपास पड़ोसियों को फ्री में गिफ्ट करूँगा। आप भी ऐसे ही फलदार पौधे फ्री में तैयार करके अपने प्रयोग में भी ले सकते हैं और आसपास पड़ोसियों को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। दोस्तों ये मेरा जो कटिंग ग्रो करने का तरीका है या फिर गूटी कलम से मैंने पौधे तैयार किए, ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में, सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।